नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पांजलि चालिया, मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे और अभी तो गर्मियों की छुट्टी भी खत्म हो गई है, तो आप लोगों का स्कूल भी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए होंगे। सीखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो आज मैं रिमझिम एनसीईआरटी बुक 3 से पाठ पांच का बहादुर बित्तो के कोई प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इसमें पहला प्रश्न तो है कहानी में ढूंढो। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक को खोल के पेज नंबर 38 निकालिए, उसमें आपको मिल जाएगा कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। तो मैं प्रश्न और उत्तर आपको बताते जाऊंगी। प्रश्न दो, हाँ, क्योंकि शेर तो किसान से उसका बैल लेने गया था लेकिन वह उसको लाके खा लेता। प्रश्न दो, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? हाँ, तो बच्चों आपको क्या लगता है? बित्तो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि चार शेर पास रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफी है, लेकिन यहाँ तो एक ही शेर है, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इसलिए शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। तो आपको समझ में आई हो गया होगा कि बित्तो ने सिर पर पगड़ बांधा था और उसने हाथ में दराती ले रखी थी, तो शेर को लगा होगा कि दराती से ये मुझे काट के नाश्ते में खा लेगी, क्योंकि वह बित्तो किसान से कह भी रही थी कि वो रोज सुबह चार शेरों का नाश्ता करती है लेकिन आज तो उसे एक ही शेर से काम चलाना होगा। प्रश्न तीन, बैल की जान कैसे बच गई? तो बैल की जान बित्तो के उपाय से बच गई, क्योंकि बित्तो बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही होशियार थी, तो उसने ऐसी एक बुद्धि बनाई कि उस बुद्धि से बैल की जान बच गई। उसने धैर्य से काम लिया, उसने अपना संयम नहीं खोया। शेर ने बित्तो को चार शेरों का नाश्ता करने वाले समझ लिया और भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो बित्तो घोड़े पर सवार हो गए, इसमें सवार हो गए के नीचे एक रेखा खींची हुई है, इसको अपने शब्द में लिखना है। इस सेंटेंस को फिर खुद से करेक्ट करके बनाना है, जैसे कि घोड़े पर बित्तो सवार हो गए। प्रश्न दो, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे? उत्तर, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। प्रश्न तीन, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। प्रश्न चार, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, उसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? आपके हाथ अगर बैल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। नंबर फाइव, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। उत्तर, किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। उसके बाद है उसी पेज में बेचारा भेड़िया। प्रश्न एक, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा? हाँ, मगर शेर और भेड़िया तो दोनों की पूंछें बंधी हुई थी,
वो भी साथ में तो भागी, उसको भी घिसता हुआ लेके चला ही गया होगा। उत्तर, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे के पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। देखा, जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ चला गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी भी हो गया। प्रश्न दो, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास दो बार गया था, है ना बच्चों? क्योंकि एक बार तो जब शेर अकेले गया था, दूसरे बार तो शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांध कर गया था, तो शेर दो बार गया था। उसके बाद आ गया पेज नंबर 39, उसमें है पहला प्रश्न, खाली जगह में क्या आएगा? मेरी दो एक एग्जाम्पल दी गई है, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों, मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी। उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा, शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? शेर और आप खुद ही सोचकर इसमें जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति कीजिए, ताकि आपके सोचने की शक्ति बढ़ सके। जैसे कि शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िए ने क्या कहा, देखो पहले के दो शब्द तो दिए गए हैं कि महाराज, वह तो, यहाँ तक तो दी गई है, महाराज वह तो बित्तो थी। शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी, जिसे अपने आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। बच्चों, आप इसके जगह में खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चले। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बोलो तुम क्या सोचती हो? यह है पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? ये कुछ प्रश्न उत्तर है, जिसको आप कैसे सोचते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए ये कुछ प्रश्न उत्तर अभ्यास को दिए गए हैं। और ये सब करना, बच्चों आप बिल्कुल मत समझिए कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब अपने लिए करो, तभी आप लोग आपके शब्दों का भंडार जो है वह भी बढ़ेगा, और आप लोग अपना आंसर बड़ा होने के बाद खुद से लिखने लायक बन पाएंगे। तो भेड़िए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चे खुद से आंसर करें। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? शेर ने किसान की पत्नी बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर कर भाग गया था, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा था। और आपको अगर कुछ अलग भी लगता है आंसर, तो जरूर सोच के और इसके बारे में बात करके अपने घर के बड़ों से या टीचर के साथ जरूर बात कीजिएगा, और जैसा मन करे वैसा ही लिखिएगा। प्रश्न दो, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए के पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसा कर खुद न भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि शेर ने भेड़िए की पूंछ को
इसलिए बांधा क्योंकि उसने शेर ने सोचा कि अगर राक्षसी आए तो कहीं भेड़िया मुझे वहां छोड़ के खुद ना भाग जाए। प्रश्न 3, क्या शेर फिर बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? बच्चों आपको क्या लगता है, फिर गया होगा या नहीं गया होगा? उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि शेर और कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा, क्योंकि वह तो सचमुच बहुत ही डर गया था। शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बित्तो को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज्यादा डर गया था। प्रश्न 4, बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बित्तो की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो बित्तो की तरह करती या नहीं करती? अगर करती तो क्यों करती, अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती? अगर नहीं करती हो तो मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती व शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। लेकिन बच्चों ऐसे शोर सुन, नेक्स्ट, राजा का राजन, राज का राज, बच्चों इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, राज का राज होना चाहिए था। राज का राज, शेर जंगल पर राज करता था। इस राज का मतलब हो गया राजा। मेरा राज किसी ना किसी से न कहना, इस राज, ज के नीचे बिंदु है, देखो बच्चों, राज और राज, इसको हम राज कहते हैं जब बिंदु आती है। ये है कि मेरी मन की बात, कुछ भी जो किसी को हम नहीं बताते हैं, बात होती है तो उसे राज कहते हैं। और राज राज और राज को बोल कर देखो बच्चों, मैं फिर से बोल देती हूँ, राज का राज, शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना, राज और राज को बोल कर देखो। दोनों के बोलने में फर्क है ना? कहानी में से ऐसे ही ज के नीचे बिंदु ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। औजार, जब एक बिंदु आ जाती है तो हमको, हम लोग ज को ज कहते हैं। जैसे कि अगर जेड होता है तो जेड एच में, एच होने से जैसे ज हो जाते है वैसा। औजार, फौरान, जोर, सिर्फ, तरफ। आप अपने मन से सोचकर ज के नीचे बिंदु पर लगे नुक्ते वाले शब्द लिखो अपने मन के, ठीक है? जैसे कि कागज, ताजा, जमानत, जनाजा, ज्यादा। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर बच्चों ये सब आप लोग खुद से आंसर बना के लिखिएगा। अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही ना देती। हाँ, तभी तो बुद्धिमान होता शेर, पहले ही बैल को छलांग लगाकर दबोच लेती, किसान डर के मारे भाग जाता। प्रश्न 2, अगर तुम बित्तो की जगह होती शेर से कैसे निपटती? तो बच्चों ये तो खुद से लिखने की बात है, फिर भी मैं बताती हूँ। अगर मैं बित्तो के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती। शोर सुनकर शेर भाग जाता। या तो हम बहुत बड़ी आग जला सकते हैं जिससे कि जानवर वैसे भी आग से डरती है, और फिर हम शीशे से उसके तरफ रोशनी कर, अगर रिफ्लेक्ट करके डाले तो तब भी वो डर कर भाग सकती थी। पहचानो तो, ये आपके पेज नंबर 41 में है। इसमें कुछ पिक्चर दिए गए हैं और एक कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। उस पिक्चर को आपको वह वर्ड्स, कौन कौन सा पिक्चर का नाम क्या है, इसके रूप में डालना है। जैसे कि कहानी में तुमने दर्राती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो। ये बहुत जरूरी है बच्चों, औजार का नाम आपको सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला चित्र है हथौड़ी। हथौड़ी का मैं पहले एक बार वर्ड्स पढ़ के सुनाती हूँ। पेचकस, खुरपी,
करनी हथौड़ी आरी। अभी ये इसको हम उसके मुताबिक चित्र में डालते हैं। पहला चित्र जो है वो हथौड़ी, दूसरा जो है वो पेचकस, तीसरा जो है वो खुरपी, चौथा जो है करनी। करनी को किसमें यूज करते हैं? जब सीमेंट का काम होता है, मैसॉन यूज करता है। मैसॉन इंग्लिश नाम है, हिंदी में जो सीमेंट का घर बनाने का काम करते हैं तो वो यूज करते हैं करनी। और है आरी, आरी आप लोगों ने देखा ही होगा, काठ वगैरह काटने का काम आता है आरी। अभी पेज नंबर 42, वरना शेर ने किसान से कहा आप बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी तीन वाक्य लिखो। तो बच्चों आप ऐसे वाक्य लिख सकते हैं, जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ले नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। तो अभी आपको वरना का मतलब समझ में आ गया होगा। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है? तो देखो बच्चों, सबके आसपास में अलग अलग तरह के लोग होते होंगे। तो किसी के तो आसपास में काम करने वाले महिलाएं और लड़कियां भी होती ही होंगी। तो आप इसी तरह से आपके आस पड़ोस को देखते हुए जानते हुए इसके बारे में आप लिखिए। हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती है, उन्हें चारा डालती है, रोज घर की साफ सफाई करती है, खाना पकाती है, बच्चों को पढ़ाती है व अन्य घर के कार्य करती है। बच्चों इस प्रश्न को आप अपने आस पड़ोस के हिसाब से लिखिएगा। शेर और घोड़ा। प्रश्न, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें खाना, घर, रंग और आदतों के बारे में लिखने के लिए दिया गया है। ऊपर लिखा है शेर एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में है घोड़ा। तो हमें शेर का खाना कैसा होता है? शेर का खाना मांसाहारी होता है, मांस होता है। घोड़ा का खाना घास होता है। घर शेर जंगल की गुफा में रहता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है। रंग, शेर का रंग पीला काली धारियों वाला होता है और घोड़े का रंग काला सफेद चितकबरा होता है, जो ब्राउन टाइप का होता है ना। फिर आदतें, शेर की आदत कैसी होती है? जानवरों का शिकार करना, दबे पांव चलता है और घोड़ा स्वामी भक्त और सरपट दौड़ता है। घोड़ा दबे पांव नहीं चलता है। नेक्स्ट है कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, मीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दराती। तो बच्चों ये सारे शब्द दिए गए हैं। अब तीन कॉलम्स बने हुए हैं, एक में लिखा है जानवर, एक में है चीजें, तीसरा है नाम। ये सारे संज्ञा है, ठीक है। किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आपको इन वर्ड्स से इन जो भी शब्द है उनको चुन चुन कर अपने सही जगह में बैठाना है। जैसे कि इसमें जानवर में क्या क्या आएगा, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल। चीजों में बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, चलनी, बाल्टी, किताब, दर्राते।
अभी ये है लोगों का नाम, लता, कक्कू, किसान, राजू, रानू, नीना, बित्तो, पीपल, नीम। ये तो आपका, अगर आप पूरा प्रश्न उत्तर करते हैं सारे, तो आपका ग्रामर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन प्रश्न उत्तरों में ही आपके ग्रामर भी समाई हुई होती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब करें अच्छे से, ताकि बड़े होने के बाद आपको थोड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और इसी के साथ ये प्रश्न उत्तर लेसन बहादुर बित्तो के समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। बच्चों घर में रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा बच्चों, हम मेरा चैनल देख तो लेते हैं, लेकिन आप लोग लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, किसी किसी का छूट जाता है। तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। धन्यवाद।